सियासत के शिखर पुरुष जो सबके संकट मोचक थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके प्रणब मुखर्जी, जिनका 31 अगस्त 2020 को शाम को देहांत हुआ। हमें खेद है कि हमने क्या है राजनीति, सियासत और अगर बात करते हैं देश के एक महानायक को खोया है। लेकिन विडंबना भी देखिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। हमें सिर्फ हमारा क्या है कि एक हिसाब से अगर बात करते हैं कि हमने बहुत बड़े पुरुष को हमारे भारत देश ने खोया है, लेकिन हम हमारे फायदे के लिए इस पर क्या करेंगे, क्लास को देखेंगे, हम क्लास देंगे, आप पढ़ोगे। देश के हालात कुछ ऐसे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चीजें पढ़नी हमारे लिए जरूरी है। और अगर बात करते हैं इतने बड़े महानायक की, तो उनके तो बर्थ ऑफ डेट से लेकर बर्थ ऑफ डेथ डेथ अगर बात करें डेथ की डेट तक हर एक चीज इंपॉर्टेंट बनती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, रिस्पेक्ट अगर बात करते हैं RIP प्रणब मुखर्जी की, जैसे यहाँ पर थे हमारी मदद की, क्या करें कि वो रेस्ट इन पीस हो, ठीक है। सबसे पहले तो इतना सा। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में, जो क्या करना होगा हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे याद रखना होगा, ठीक है। तो शुरुआत सबसे पहले तो यही कि अगर हम बात करते हैं SSC HSSC किसी भी स्टेट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो, तो अगर इतने बड़े महानायक के कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं, उनकी डेथ होती है या फिर बहुत बड़े मतलब कहीं ना कहीं वो न्यूज में रहे, तो उनसे रिलेटेड सबसे पहले तो चीजें यही पूछ लेते हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ क्या थी, ठीक है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें बाद में, दो चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो याद रखनी है बच्चे, कौन सी, बर्थ। भाई इनका बर्थ कब हुआ था? 11th of October 1935, 1935 में 11 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। और 2020 की अगर हम बात करते हैं, 31 अगस्त को इनकी क्या हुई, डेथ हुई शाम को, ठीक है, आपने जैसे न्यूज में भी देखा होगा। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके इनके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिएगा, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग सा बता देती हूँ जो इनके बारे में था, कि जब ये सियासत में आए, राजनीति में आए, उनसे पहले ये एज एंड टीचर वर्क कर चुके हैं। टीचर रहने के बाद ये जर्नलिस्ट बने थे, उसके बाद सियासत में आए थे। पहली लाइन देखिएगा, मुखर्जी 1969 में सार्वजनिक पद के लिए, लाइक 1969 में वो क्या हुए थे अगर बात करते हैं आफ्टर, जब वो राजनीति में आए, उससे पहले क्या थे, वो एक शिक्षक और फिर एक पत्रकार रह चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट तो इनके बारे में ये। उसके बाद शुरू करते हैं, देखिएगा, सबसे पहले तो ये राज्यसभा और लोकसभा में एज ए लीडर वर्क कर चुके हैं। कब कब, दो तारीखें आपको याद रखनी है, 1980 से 1984 में ये क्या रहे थे, लीडर रहे थे राज्यसभा में, ठीक है। दूसरी चीज देखिएगा, 2004 से 2012 तक 8 साल तक ये लीडर रहे थे, कहां पर बच्चों, लोकसभा में, ठीक है, दो चीजें होंगी। उसके बाद देखिएगा ये क्या रहे थे, लोकसभा कहां से थे, सबसे इंपॉर्टेंट, जो राज्यसभा में लीडर थे 1980 से 1984, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बनेगा यही कि लीडर ऑफ लोकसभा थे 2004 से 2012 तक, रिसेंटली, मतलब ज्यादा हिस्ट्री में नहीं है, तो वो कहां से थे, तो एक आपको नाम याद रखना है, जांगीपुर से थे, ठीक है। 2004-2012 से जो मेंबर ऑफ लोकसभा थे वो कहां से थे बच्चों, ये जांगीपुर से थे। तीन चीजें हो गई। उसके बाद भाई ये भारत के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, अगर बात करते हैं, हम राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजें इनके बारे में बनेंगी वो ये बनेंगे कि भाई कौन से नंबर के, तो ये थे भाई 13th of November के, 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के पूर्व, ठीक है। और कब से कब तक भाई, 2012 से 2017 के बीच में 13th प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, चीजें याद हो गई। उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रपति सबको पता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री, अगर हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर क्या है, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, चीजें देखिएगा। सबसे पहले ये वित्त मंत्री, अगर बात करते हैं रक्षा मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस चुने गए थे 2004 से 2006 के बीच में, जब ये बच्चों क्या थे, लीडर ऑफ लोकसभा थे, ठीक है, चीजें कोरिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद 2006 से 2009 और 1995 और 1996 में, एक साल तो ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पहले चुने गए थे 1995 से 1996 में, उसके बाद फिर से 2006 से 2009 के बीच में ये क्या रहे थे बच्चों, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहां से ध्यान में रखनी है, प्रेजेंट हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इनके अंडर थी, ठीक है, आपको तारीखें दी हुई हैं। उसके बाद भाई 1991 से लेकर 1956 के बीच में ये डिप्टी चेयरमैन
वर्क कर चुके थे भाई। डिप्टी चेयरमैन किसके, आपको पता होगा, प्लानिंग कमीशन, जिसका फाप अगर बात करें तो 5 साल का प्लान जिसे कहा जाता है वैसे नॉर्मली, तो उसमें क्या है, जो प्लानिंग कमीशन थी 1991 से 1996 की, तो उसमें क्या है, एज एन डिप्टी चेयरमैन ये वर्क कर चुके थे प्लानिंग कमीशन में। ठीक है, ये थे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इनके क्या रहे, इनके कार्य से रिलेटेड रहे, लाइक इन्होंने किस किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बनेंगी भाई इनकी बनेंगी बुक्स, 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको याद रखनी है। प्रणब मुखर्जी की जो रही, अभी हाल ही में क्या है, एक न्यूज में आ रहा है कि इन्होंने क्या है 40 साल तक अपनी जिंदगी में एक डायरी लिखी है 40 साल तक, और इनका कहना था कि उस डायरी को आफ्टर इनकी डेथ क्या किया जाए, प्रकाशित किया जाए, लोगों को दिया जाए, बताया जाए। ठीक है, तो ये इसका क्या कुछ रहेगा, अभी इतना सा ही है कि 40 साल तक प्रणब मुखर्जी ने क्या किया, एक डायरी लिखी है, वो प्रकाशित हो, उनका ऐसा कहना था। ठीक है, वो अलग बातें रही। पहले आप 3 बुक्स जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बुक अगर हम बात करते हैं बच्चों इसकी, बियॉन्ड सर्वाइवल Emerging Dimensions of Indian Economy, जो 1984 में आई थी प्रणब मुखर्जी की। ठीक है, कौन सी बुक बच्चों, बियॉन्ड सर्वाइवल Emerging Dimensions of Indian Economy। ठीक है, दूसरी बुक देखिएगा, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, ये 1992 में आई थी। 1992 में इनकी 2 बुक्स आई थी, पहली बुक 1984 में, 1992 में 2 बुक्स आई थी। पहली बुक तो आपकी रही थी सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पर जो आधारित थी। ठीक है, दूसरी बुक जो 1992 में आई थी वो आई थी चैलेंजेस बिफोर द नेशन। चैलेंजेस बिफोर द नेशन का मतलब होता है कि राष्ट्र के आगे क्या क्या चुनौतियां थी, तो वो आपकी बुक कौन सी थी भी बच्चों, 1982 में जो बुक आई थी। ये तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगी, तीनों बुक्स आपको क्या करनी है, याद रखनी है, और किन्होंने ये बुक्स लिखी थी, प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी। ठीक है भाई, ये तो इनका हो गया कि इन्होंने किस क्षेत्र में मतलब काम किया, उसके बाद इन्होंने सोसाइटी के लिए लाइक बुक्स वगैरह लिखी, क्या योगदान दिया। अब तीसरी जो हम बात कर लेते हैं अभी, वो हम बात कर लेते हैं इनके अवार्ड्स की, इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे। सभी को पता है भी भारत रत्न से ये सम्मानित किए गए थे कब भाई, 2019 में। पहला अवार्ड तो भारत रत्न, क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है, लेकिन एग्जामिनर ऊपर की चीजें नहीं पूछता, वो डीप में पूछेगा। तो 3 जो अदर अवार्ड्स रहे, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से ये क्या थे, सम्मानित थे। उसके बाद दूसरा जो अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, बांग्लादेश का अवार्ड रहा था लिबरेशन वॉर ऑनर। बांग्लादेश का अवार्ड कौन सा था बच्चों, लिबरेशन वॉर ऑनर, और हाल ही में पीछे दिया गया था, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है, प्रणब मुखर्जी को कौन से बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद आइवरी कोस्ट, आपको पता होगा ये कंट्री है। ठीक है, आइवरी कोस्ट कंट्री के कौन सा बच्चों ग्रैंड क्रॉस, ठीक है, अवार्ड रहा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द आइवरी कोस्ट एक सम्मान है आइवरी कोस्ट कंट्री का, उससे क्या है, भारत के कौन से राष्ट्रपति सम्मानित हुए हैं, तो उनका नाम याद रखना है प्रणब मुखर्जी। ठीक है, दोनों चीजें हो गई, पद्म विभूषण और भारत रत्न इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनेंगे जितने दोनों ये बनेंगे कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का नाम क्या है, जिन्हें बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं बच्चों कौन सा रहा लिबरेशन वॉर ऑनर से सम्मानित किया गया था, तो प्रणब मुखर्जी। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट के ग्रैंड क्रॉस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, तो वो भी कौन रहे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहे। ठीक है, तो ये थे इनके अवार्ड्स, बुक्स, और इनके क्या है टोटल कार्यकाल में इन्होंने कब कैसे वर्क किया। ठीक है, 1969 से आपको पहले पता लग गया होगा एज एन टीचर और जर्नलिस्ट ये वर्क कर चुके थे। उसके बाद जब ये न्यूज में आए तो उसके बाद क्या रहे, राज्यसभा के रहे, मेंबर रहे, लोकसभा के रहे 2004 से 2012 तक, चीजें आपको पता लग गई होंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतने फैक्ट्स थे जो आपको क्या है प्रणब मुखर्जी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभी पीडीएफ की, तो पीडीएफ को आपको ध्यान में रखना है कहां पर है, एज इट इज आपको कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं लेने थे, आपको कहां पर है क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन का नाम देख लीजिएगा जीके बाय प्रदीप सर। ठीक है, वहां पर एज इट इज आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप चीजें देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से, और अगर बात करते हैं क्लास की पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, फिर भी कोई अगर डाउट है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। जो करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें आपका इस वीडियो से रिलेटेड क्या कर लिया जाएगा, डाउट ले लिया जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टाटा, टेक केयर।